12 वर्ष का था, तो काम ऊर्जा बहुत तेजी से उठती थी। तो जैसा सामाजिक परिवेश होता है, तो उसको पॉजिटिव वे में ना लेकर नेगेटिव वे में सप्रेशन किया। तो 10 वर्ष तक अवसाद में रहा, फिर ओशो की पुस्तकें पढ़ी, तो सक्रिय ध्यान किया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे पॉजिटिव उस फेस में आया। लेकिन वो अवसाद अभी तक भय के साथ मिल के परेशान करता है। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। अतीत का सिर्फ दमित काम ही परेशान नहीं करता, अतीत से जो कुछ भी आपने संचित कर रखा है और महत्वपूर्ण बना रखा है, वो सब कुछ ही परेशानी है। अतीत से आप सिर्फ काम को ही थोड़े लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ है पीछे का जिसको लिए लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे किसी ठेले पर वस्तुओं का ढेर लगता चला जा रहा हो और वो आगे बढ़ता जा रहा हो, जितना आगे बढ़ता जाता उतना उस पर लोग ला ला करके अपने घर का कचरा डालते जाते हो, और वर्षों से आगे बढ़ रहा है, रोज उस पर नया कचरा फेंकता है, रोज वो और भारी होता जाता है। उस पर कोई एक ही चीज थोड़ी ही पड़ी है कि हम कहें कि इस ठेले पर ये जो कुछ पुरानी गंदी और टूटी बोतलें पड़ी हैं, इनके कारण बड़ी समस्या है। वो पूरा कचरा ही समस्या है ना। जब तक उस ठेले पर जिसका नाम है चित्त, दुनिया पुरानी चीजें फेंकती रहेगी और आप पुरानी चीजें इकट्ठा होने देते रहेंगे, तब तक समस्या बनी ही रहेगी। और तब तक मैं भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि एक आंशिक ही सही लेकिन शाश्वतता तो आ ही गई। कैसे? 2 साल पहले उस पर जो बोतल फिगी थी, वो बोतल उस पर आज भी मौजूद है। देखो, कुछ शाश्वत है ना। 12 की उम्र में मुझे जो समस्या लगी थी, वो समस्या मुझे आज भी सताती है। देखो, कुछ शाश्वत है ना। देखो कि आपने, अहम ने शाश्वत होने का कितना सस्ता लेकिन कितना घातक तरीका ढूंढ लिया। बात समझ रहे? संत समझा गए कि दुनिया में जो कुछ है वो नित्य है। हम संतों की बात को काटने के लिए अपनी समस्याओं को नित्य बना लेते हैं। संतों ने कहा दुनिया में जो है सब अनित्य है। हमने कहा नहीं साहब, ऐसे कैसे? आपने कह दिया कि दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है। हम साबित किए देते हैं कि दुनिया में कुछ तो नित्य है। क्या नित्य है? हमारी समस्या नित्य है। कैसे नित्य है? देखिए, 12 की उम्र में जो हमें समस्या थी, वो 42 की उम्र में भी है। कुछ नित्य निकल गया ना। अब संत सर पीट रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार। और कोई वजह ही नहीं है कि हम इतना कुछ पीछे से आगे लेकर के आते हैं। वो हम इसीलिए लेकर के आते हैं कि किसी तरह कुछ तो जीवन में बचा रहे जो निरंतर है। मैं पहले भी कमजोर था,
मैं आज भी कमजोर हूं, तो कुछ मिल गया ना जो निरंतर है। अब ताकत की निरंतरता मुश्किल बात होती है, क्योंकि तुम अगर अपने आप को ताकतवर घोषित करते हो तो कोई ना कोई आके दिखा जाता है कि तुम कमजोर हो। तो ज्यादा आसान होता है कि तुम कमजोरी की निरंतरता पकड़ लो, क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं पहले भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर हूं, तो कोई ना कोई आ जाएगा जो कहेगा अभी दिखाते हैं तुम्हें ताकत, और सारा भ्रम टूट जाएगा, कोई आईना दिखा जाएगा। तो अहम को सुविधा इसमें होती है कि कमजोरी की निरंतरता को पकड़ ले, और कमजोरी की निरंतरता कोई नहीं तोड़ सकता। तुम अगर कहो कि तुम ताकतवर हो तो तुम्हें जमीन पर लाया जा सकता है, पर अगर तुम कहो कि अरे मैं तो मूर्ख हूं, पगला हूं, कमजोर हूं, तो तुम्हें कोई उठाएगा कैसे, और किसी की रुचि क्यों हो तुम्हें उठाने में। तो इसलिए हम समस्याओं को पकड़े ही रहते हैं, ठेले का बोझ बढ़ता ही जाता है। जाहिर सी बात है उस ठेले पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कीमती हो। हमें जब समस्याएं ही पकड़ के रखनी है तो ठेले पर समस्याओं का ही बोझ है। सत्य की निरंतरता हमें उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये कहिए कि सत्य की निरंतरता हमने चुनी नहीं है, इसीलिए उसके विकल्प के तौर पे हमें समस्याओं की निरंतरता चुननी पड़ती है। कुछ तो हमें चाहिए जो कभी हमसे छीने ना, या तो वो सत्य हो सकता है जो कभी तुमसे छिनता नहीं, और जब वो तुम्हें मिला नहीं होता तो तुम समस्याओं को पकड़ लेते हो, और ऐसा पकड़ते हो कि तुमसे कभी छीने ना। इस गलत चीज को इतनी जोर से पकड़ने की जगह उसको पकड़ लो ना जो सदा साथ रहेगा तुम्हारे। एक बार तुम उसके साथ हो लिए, फिर दूना लाभ होगा। पहला तो यह कि तुम मगन हो जाओगे, और दूसरा ये कि लोग तुम्हारे ठेले पर कचरा फेंकना भी बंद कर देंगे। एक ठेला जो कचरे से लदा हो उस पर और कचरा फेंका जाता है कि नहीं, और एक ठेला जो साफ हो उस पर कोई कचरा फेंकता है? मुश्किल से ही कोई फेंकेगा। और एक तीसरा ठेला हो जिस पर कृष्ण की मूर्ति बैठी हो, उस पर कोई आएगा कचरा फेंकने? अपने कचरे को हटाओ और उस पर कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दो, ठेला हल्का चलेगा। जब तक तुम ये जानोगे नहीं कि तुमने समस्याओं को क्यों पकड़ रखा है, तब तक तुम्हारे पास समस्याओं को पकड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना बचा रहेगा। समस्याएं हमारा चुनाव होती हैं, हमारे पास कारण है समस्याओं को पकड़ने का। बात करी 12 से 22 वर्ष की आयु की, उस समय पर और भी तो बहुत कुछ हुआ होगा, वो याद है क्या? सब भूल गया ना, बात दशकों पुरानी हो गई, सब भूल गया। यही क्यों याद है? कोई कारण है तुम्हारे पास इसी बात को याद रखने का, नहीं तो फिर तो रात गई बात गई। ज्ञानी जन बोल गए बीती ताहे बिसार दे। जैसे पुराना इतना कुछ भूल जाते हो, वैसे ही तुम इन बातों को भी भूल गए होते। तुम गौर तो करो कि तुम इन बातों को कभी भूलते क्यों नहीं, क्योंकि इन बातों को याद रखने में तुम्हारा स्वार्थ है। इन बातों को, मैंने कहा, तुम सत्य के विकल्प की तरह इस्तेमाल करते हो, इसीलिए इनको भूलना नहीं चाहते। जो आदमी अतीत की समस्याओं को बहुत याद रखता हो, समझ लेना कि उसके भीतर कोई बैठा है जो परमात्मा का विरोधी है। जिस जगह पर परमात्मा को बैठा होना चाहिए, उस जगह पर तुमने समस्या को बैठा दिया है। शाश्वतता के सिंहासन पर सिर्फ सत्य होना चाहिए ना, जिसके बारे में संत जन कह गए हैं कि सदा उसी का सुमिरन करो। सदा सुमिरन किसका करना होता है?
नित्य का, राम का। लेकिन समस्याग्रस्त आदमी भी तो सदा सुमिरन कर ही रहा होता है, वो किसका सुमिरन कर रहा होता है? समस्या का। तो तुमने देख लो कि तुमने किस चीज को किस चीज की जगह दे दी। तुमने समस्या को सत्य की जगह दे दी, और इसीलिए समस्याएं महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, इंसान जिंदगी जीता चला जाता है एक फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे 60 साल जीने हैं, 80 साल जीने हैं, 100 साल जीने हैं, यही ये काम करने हैं। बस वो जिंदगी जीता, वो जिंदगी को, जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता, ना ही लेता है। ऐसे कैसे जिया जाए कि जिंदगी जीने में आनंद भी आए और उससे सीख भी मिले और अच्छे से जिंदगी जी जाए? फॉर्मेट पर मत जियो, साफ दिख रहा है ना कि फॉर्मेट पर जी रहे हो तो ऊब है और परेशानी है और झल्लाहट है, दिख रहा है ना? इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हो ना। फॉर्मेट पर जीने में अगर आनंदित होते तो ये प्रश्न ही ना पूछा होता। फॉर्मेट और आनंद साथ साथ नहीं चल रहे हैं ना, तो फिर अगर आनंद चाहिए तो इस फॉर्मेट को, इस ढांचे को, तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा जोश दिखाओ, तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अभी ही कौन सा बड़ा आनंद है कि आगे कष्ट हो जाएगा? अगर उस ढांचे को, ढर्रे को तोड़ने से कष्ट मिलता हो तो अभी क्या कष्ट नहीं है? कष्ट अगर मिलेगा तो कुछ बुरा नहीं हो गया, लेकिन हो सकता है आनंद मिल जाए तो अच्छा होने की संभावना है। सौदा मुनाफे का है, तोड़ दो।